पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि कारण गर्मी, लेकिन नहीं, दरअसल हापुड़, मुजफ्फरनगर और मेरठ में आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों को लेकर नई दहशत है। मेरठ में ये आवारा कुत्ते रोज 200 से 300 लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये खूंखार कुत्ते बच्चों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। हिंदुस्तान लाइव में मैं पारुल सिंघल आपके साथ हूँ और आप देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं। लाइन में देख सकते हैं 11-11, 12-12 साल के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल से आते हुए उन्हें बच्चों ने काट लिया है। तो हम जानते हैं कि बच्चों को कैसे अटैक कर रहे हैं। ये हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अशरफ। ये आपके बच्चे को कुत्ते ने काटा है, कैसे काटा? ये घूमने आ रहे थे, एकदम इसको पैर पकड़ लिया। ये आपका बच्चा है, इधर आकर कुत्ते ने कहाँ काटा है कुत्ते ने? कितने साल की उम्र? तो ये क्या कुत्ते को परेशान कर रहा था? ये क्या घूमने आता है? ये जा रहे थे पहले भी हो गया ना सब। ये है नई बस्ती से आया है। ये आपके बच्चे को कुत्ते ने काटा है, कितने साल की उम्र है? 12वीं साल में। कैसे काटा कुत्ते ने? ट्यूशन पढ़ने गई थी तो रास्ते में ही कुत्ते ने काट लिया सड़क। रास्ते में काटा तो बेटा आप छेड़ रहे थे कुत्ते को, फिर कैसे काटा? आ रही थी ना, मैं तो पीछे से आया। पीछे से आया तो आप देख सकते हैं कुत्ते जो है सड़क के कुत्ते बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। मेरठ के साथ साथ सहारनपुर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में भी आवारा कुत्तों का आतंक फैला है जो कि राहगीरों को काट रहे हैं। पैदल और बाइक सवार पर कुत्तों के झुंड झपट पड़ते हैं और उन्हें काट लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में इन दिनों कुत्ते के काटने के बाद इलाज कराने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम आपको बताते हैं कि मेरठ ही नहीं, मेरठ के आसपास के जिलों में भी कुत्तों, खूंखार कुत्ते किस तरह से बच्चों से लेकर बड़ों तक को अपना शिकार बना रहे हैं। सहारनपुर की घटना ताजा घटना है जिसमें खूंखार कुत्तों ने एक बच्चे को नोच डाला। हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, इन जिलों की बात करें तो रोजाना सैकड़ों लोग गर्मी के इस मौसम में खूंखार कुत्तों का रोजाना शिकार हो रहे हैं। आप जिला अस्पताल मेरठ में देख सकते हैं कि कुत्तों के काटे शिकार लोगों की लंबी लाइन लगी है। सुबह 8 बजे से यहाँ कुत्ते काटे लोगों को इंजेक्शन लगाने का काम शुरू होता है। अभी तक हमने बात की तो पता चला कि 150 लोग जिन्हें अभी तक इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं और कम से कम 200 लोग अभी भी कतार में है। मैं कैमरा पर्सन चाहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से सुबह से कतार में लगे मेरठ जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुत्ते काटे का इंजेक्शन लगेगा। मेरठ के जिला अस्पताल में रोजाना 200 से 300 लोगों को रेबीज की वैक्सीनेशन लगाई जाती है। जिला अस्पताल में सुबह से ही शहर और देहात के लोगों को इंजेक्शन लगाना शुरू हो जाता है। जिला अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन लगाने वाले कर्मचारियों की माने तो सोमवार में ये संख्या 300 से 400 के बीच पहुंच जाती है, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है और इंजेक्शन नहीं लगते। उधर डॉक्टरों की सलाह है कि अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा है तो लापरवाही ना करें और 72 घंटों के अंदर वैक्सीन जरूर लगवाएं। 200 से 250 वैक्सीनेशन डेली लगा रहे हैं, ठीक है। सड़क के कुत्ते इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हम लोगों को उनको कंट्रोल करना चाहिए और उनका एक डॉग हाउस बना के उनको वहाँ पे रखना चाहिए म्युनिसिपैलिटी के थ्रू। प्लस इस ये इकलौती ऐसी बीमारी है जिसका कोई मतलब अगर आपको इस वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उसका कोई उपचार नहीं है डेथ के अलावा। मतलब आपको तुरंत अपनी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। अगर आप नहीं ले पाए हैं तो 3 दिन के अंदर अपनी वैक्सीनेशन पूरी करनी चाहिए। 30 से 72 घंटों के अंदर अपनी पहली डोज लगवा लेनी चाहिए।